वैसे तो मैंने वर्ल्ड वॉर लीजेंड ब्लैक स्वान का काफी बार आपको क्लियर करके दिखा दिया है, एंड आई होप कि अब आपका क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स वगैरह देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प करेगा वर्ल्ड वॉर लीजेंड ब्लैक स्वान क्लियर करने में। सबसे पहले टिप यहाँ पे टिप ही है, देखो यहाँ पे टिप में क्या लिखा है, ब्लैक स्वान इज हाईली रेसिस्टेंट टू बेसिक डैमेज, मतलब बेसिक डैमेज बहुत कम लेगी, बाकी डैमेज कौन सी लेगी, इंस्टिंक्ट डैमेज विल बी ग्रेटली इफेक्टिव अगेंस्ट हर। तो अगर आपको इंस्टिंक्ट अटैक आपको बढ़ाना है, इंस्टिंक्ट डैमेज आपको बढ़ाना है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा आर्काइव में और सील्ड आर्काइव में जाके यहाँ का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप काम करोगे तो ये सब चैलेंज आपको कंप्लीट करना होगा। बाकी यहाँ गाइस थोड़ा ध्यान देना, चैलेंज कंप्लीट करने के लिए बहुत तगड़ा तगड़ा मटेरियल लगता है, तो यहाँ पे बुक लगेगा, ये टीयर 4 बुक लगेगा, ठीक है। तो हाँ ये मैंने कर लिया है, अभी ये मैं 625 और बढ़ा लूंगा, उसके बाद में मेरे कैरेक्टर और तगड़े हो जाएंगे, थोड़े बहुत डैमेज देने लगेंगे ब्लैक स्वान में। बाकी चलो अंदर में दिखा देता हूँ अंदर का सिस्टम क्या है, आपको कब अटैक करना है और कब बचना है, कैसे बचना है। और हाँ यहाँ पे आपको एक चीज और दिखा दूंगा, 93% डैमेज डिक्रीज अभी आपको ये देखो गाइस, इग्नोर डैमेज रिसीव बाय 93%, मतलब बहुत कम डैमेज लेगी, ठीक है। अभी इस टाइम पे आप इसको मारो, शुरू में आते ही मारना चालू कर दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद बताएगी कि मैं अभी जाने वाली हूँ सेकंड फेज में। और हाँ गाइस, अगर आपने मारना स्टॉप कर दिया यानी कि रोक दिया, तो ये जो बार है ना ये वाला, ये ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा, देखो ये कम हो रहा है। और अगर ये कम हो रहा है मतलब फिर से इसको फुल करना पड़ेगा, और फुल करोगे उसके बाद में ब्लास्ट होगा, उसके बाद में ही तगड़ा अटैक होगा। तो इसीलिए कंटिन्यूसली आपको हिट करते रहना है, रुकना नहीं है ऐसा इसकी रोटेशन के चक्कर में कि भाई मेरा इसकी रोटेशन अभी रेडी नहीं है, या फिर जब ये ब्रेक होगा शील्ड तो इसका रेडी नहीं रहेगा, इसकी रोटेशन थोड़ा रुक जाते हैं। भाई जैसे ही रुकोगे ये फिर बार नीचे आना चालू हो जाएगा, जबकि हमको ऊपर लेके इसको जाके ब्लास्ट करवाना है, ठीक है। मारते रहो एकदम से मारते रहो। अभी मैं आपको पैटर्न वगैरह बताता हूँ इसका, कौन सा पैटर्न कैसे डांस करना है। ओके यहाँ पे इस तरह से मारते रहो, और जैसे ही ये ब्रेक होगा फिर उसके बाद में तगड़ा डैमेज चालू हो जाएगा हमारा। ये देखो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ और अब ये कैरेक्टर डैमेज देगा तगड़ा, देखो यहाँ पे थेनोस का डैमेज कितना तगड़ा हो रहा है, हालांकि माइटी अथॉरिटी है फिर भी, ठीक है। तो यस ये देख सकते हो डैमेज हुआ। अब देखो यहाँ पे अब आ जाएगा पैटर्न का खेल, ठीक है। अभी यहाँ पे अटैक करने वाली, देखो यहाँ भाग के जाएगी, अभी आपको यहीं पे रहना, आगे एकदम रहना है, और एक बार इसके जस्ट बाद एक और अटैक करेगी ये सर्कल वाले, यहाँ पे गोली में चले जाना है, एक दो और तीन गोली में चले जाना, तीसरी गोली में फिर आपको तुरंत मारना चालू कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसका शील्ड ब्रेक है तो अभी ये डैमेज लेगी, देखो यहाँ पे शील्ड ब्रेक का साइन दिखा रहा है, ठीक है। अभी देखो शील्ड फिर से वापस से रिपेयर हो गया, बाकी ये छोटे मोटे अटैक से डरना नहीं है, मारते रहना है, हाँ मतलब थोड़ा सा केयरफुल रह के। बाकी और जो बड़ा वाला अटैक है उसको कैसे डॉज करना अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से मारते रहो, और ये देखो ये इसने यहाँ पे ऊपर जाके ये स्लेस किया, और अभी ना ये करेगी दीवारों में चुनवाने वाला काम, अभी जब ये नेक्स्ट फेज में जाएगी तब। अभी इस फेज का हो गया, इस फेज का जो मेन अटैक था इसका बस मान लो इतना ही है। अभी जब ये नेक्स्ट फेज में जाएगी जो कि ये जाने वाली है, ओके ये देखो ये है इसका नेक्स्ट फेज। अब यहाँ पे ये खतरनाक अटैक करने वाली जिसको आपको डॉच करना है बहुत आराम से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो ये वाला ये मारा इसने, अभी यहाँ पे कोने पे आ जाओ फटाक से, और ये भाई यस इस तरह से भाग जाओ, ठीक है। अब इसके बाद में मारो दीवार अपना खड़ा, दीवार के आर पार नहीं जा सकते और दीवार के करीब भी नहीं जा सकते, नहीं तो गार्ड ब्रेक हो जाओगे। ये देखो धक्का मार रही, फिर से आ गया, अभी दूसरे कोने पे आ जाओ और इसके बाद में भाग जाओ, इधर आ जाओ, ताकि ये पूरा एरिना आपके लिए अवेलेबल हो, आप आराम से कहीं पे भी भाग के खेल पाओ। अब देखो दो पैटर्न और आएगा जो कि काफी खतरनाक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सा है और कैसे डॉच करना है, ठीक है। चलो मारो इसको, पहले मार देते हैं थोड़ा सा, और ये देखो हाँ बार आप देख सकते हो कौन से कितने बार पे कौन सा पैटर्न आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो आप ये डैमेज दिया हमने, अब देखो ये करेगी ये नेक्स्ट अटैक, अभी देखो ये मारेगा ये वाला, एक दो तीन बार आएगा और इसे आपको भागते रहना है, और इसके जस्ट बाद एक और अटैक आएगा जो कि सर्कल वाला होगा, उसके लिए आपको ये वाला है, ठीक है, सॉरी ये वाले के लिए आपको यहाँ पे स्विच करके कोने पे खड़े रहना है, ठीक है। हाँ मैं भूल गया था, नहीं तो मैं ये देखो ये सर्कल वाला, अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब सर्कल आएगा ना तो ऐसा खाली जगह रहेगा, देखो यहाँ पे ना ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पे अटैक नहीं होने वाला है, तो आपको इस वाले जगह पे आके खड़े रहने हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर खड़े रहोगे तो मरोगे नहीं, अभी देखो फर्स्ट वाले में यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा जगह वहां पे बता रहा है कि कौन सी जगह पे आपको खड़ा रहना है, ओके ठीक है। अभी आपको मारना फटाफट से और ये आराम से क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में कोई बड़ा वाला अटैक नहीं आएगा। देखो ये वाला पोकेमोन वाला अटैक आ रहा है, इसको आप आराम से झेल पाओगे, इतना भी तगड़ा डैमेज नहीं देता है। बस ऐसे आपको यहाँ पे क्लियर करना है और मारना है, फिर से अब वही रिपीटेड अटैक आएंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फिर से आ गया वो,
दीवार वाला और फिर आपको यहाँ पे मारना है। दीवार वाला आने से पहले एक बार वो स्लैश करती है, ऊपर ऊपर जाके ऐसा मारती है तो समझ जाना कि अभी इसके बाद दीवार वाला आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा रेडी हो जाना, प्रिपेयर हो जाना, वो तैयार तैयार करने के लिए टाइम देती है। मतलब देखो यहाँ पे दिया इसने टाइम और ये अभी यहाँ पे मारा, ये बताती है कि भाई मैं अभी दीवार में चुमाने वाली हूँ तुम्हें, तो तुम रेडी हो जाओ, ठीक है। यस यस, इसको इस तरह से यहाँ पे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, ये वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है, तो लाइव स्ट्रीम पे देख लेना, रिपीट पे देख लेना, भाई आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लीडरशिप सपोर्ट टीयर फोर करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ पीएस वाला कितना है मेरा, कौन सा वाला लगा के खेल रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे वो वाला खेल रहा था, चलो मैं आपको 2% पीएस से खेल के दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स गो, सेम टीम रहेगा और इस बार मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप बस देखते रहो पैटर्न वगैरह, कैसे डॉस कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे डॉस कर रहा हूँ और मैं मारता रहूंगा, ठीक है। लाइक बोलना भी है, लगे हाथ और मारना भी है, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ओके ठीक है, 3-5 अभी 3 रेडी हो जाए, ठीक है। 2% प्लेयर से खेल रहा हूँ, ठीक है गाइस। हाय, इसकी यूज चाय नहीं कर रही है, माइटी अथॉरिटी वाला थैनोस, ठीक है। हाँ, 2% से थोड़ा समय तो लगेगा, बट हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। और लीडरशिप सपोर्ट बिल्ड करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिस्टेक, हालांकि देखो मैंने मिस्टेक लगाया है मेरे पास तो मैंने लगा लिया भाई, क्या ही करूँ, ना लगाऊ जब है तो। ओके ओके ठीक है, नाइस डैमेज, ओपी। ओके इधर आ जाओ, आ जाओ थानोस भाई, आ जाओ आगे आ जाओ, ठीक है। ओके अभी बोला आएगा, ठीक है। एक, अरे सेकंड गोले में डायरेक्ट चला गया मैं, ठीक है। दो गोला हो गया, अब इसको मारना है, ठीक है। इसका शील्ड ब्रेक था इसलिए डैमेज हो रहा था तगड़ा, ये नाइस डैमेज। कभी कभी लगता है ना सिल्वर सर्फर और ये थानोस पीपी वाले ज्यादा डैमेज दे रहे हैं ब्लैक स्वान में, से बता रहा हूँ। कुछ एक कैरेक्टर हैं जो पीवीपी वाले हैं लेकिन उनसे ज्यादा डैमेज। ओके दीवार में चुनवाएगी, नहीं अभी तो सेकंड फेज में जाना बाकी है भाई, अभी नहीं चुनवाएगी, ठीक है। सेकंड फेज में आता है वो दीवार में चुनवाने वाला चीज, ठीक है। बस फर्स्ट फेज में टेंशन मत लेना, ऊपर से स्लैश किया था उसने ना। ओके अभी यहाँ पे ये अटैक किसका पैटर्न आने वाला है, रुक जा रुक जा रुक जा, यस ओके सेकंड फेज चालू, लेट्स गो। अभी इसका आएगा फर्स्ट अटैक ये वाला, ठीक है। एंड ओके ठीक है, थोड़ा सा आगे हो गया मैं जल्दी से, कोई बात नहीं, और पीछे रहना चाहिए था, कोई बात नहीं, देखते रहना, फिर से वो वार्निंग देगी कि मैं फिर से दीवार में चुनाने वाली हूँ, तो वो चीज अब आ गया, आ गया मुझे भाई, ओ शिट मैन फंस गया मैं, ओ शिट मैन फंस गया मैं, वो आ गया था बट मैं, ओके ओके ठीक है, इसका दीवार ब्रेक हो गया कोई ना, ठीक है। चलो कि इसका दीवार टूट गया, नहीं तो हमको व्हील में फंसा के मार देती। ओके एंड यस यस यस, टीयर 4 भाई, एक भी डैमेज नहीं ले रही है, ठीक है। फिर से दीवारों में चुना रही है, ओके ब्रेक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। 18 बार में पहुंच गया भाई साहब, अभी 2 मिनट का टाइम बचा है, चलो आ जाओ आ जाओ। ओ भाई फिर से दीवार में चुनवाएगी, ठीक है, कितनी बार दीवार में चुनवाएगी यार। ओके तो अभी ये 16 बार पे आ गई है, अभी ये मारने वाली है ये वाला पैटर्न, 1 2 3, इसके बाद में वो आएगा, ये कोने में आ जाओ फटाक से, यस आ जाओ, देखो यहाँ पे कोने में खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे जाके यहाँ पे इसको मारो और यस ओके, सर्कल आ गया है, अभी देखो सर्कल में स्विच कर सकते हो कैरेक्टर, नहीं तो ये देखो यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे बता देता है यहाँ पे कौन सी जगह पे खड़े होना है, ठीक है, खाली रहता है वो। ओके थानोस ले आते हैं फिर से वापस, ओ पोकेमोन वाला अटैक आ गया, ठीक है कोई ना, थोड़ा देर रुक जाते हैं। और ये देखो गाइस टीयर 3 एंड ये ब्रेक हो जाए शील्ड और बूम 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 डैमेज हो जाए तगड़ा,
1 and 3 4 5 tier 4 भाई कंप्लीट हो जा, अभी नहीं होगा ठीक है, एक बार में नहीं होगा। यस मुझे पता था नहीं होगा। ओके पोकेमोन वाला डे फिर से आ गया, चलो मारते हैं कोई ना, ये नहीं मिलेगा थानोस का भाई, थानोस का इतना तो भरोसा है कि नहीं मिलेगा। बाकी ठीक है। ओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा अटैक हो रहा है? ओके फिर से दीवारों में चुनवाने वाला अटैक आ गया। ठीक है ठीक है, अभी ये मार देगा, लेट्स गो। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2% पीयर से भी इसको क्लियर किया जा सकता है, बस आपको मरना नहीं है, आपको पैटर्न थोड़ा सा सीख लेना है, और इसमें बहुत ज्यादा ऐसा हार्ड पैटर्न भी नहीं है, 2-3 बार आपको डॉच करना है, 2-3 पैटर्न है, वो दीवारों से बचना है, कैसे बचना है, और वो सर्कल जो है उसमें आपको बीच में जाना है, बाकी 3-4 पैटर्न है जो आपको डॉच करना है, ठीक है, बाकी आराम से हो जाएगा ब्लैक स्वान वर्ल्ड बॉस लेजेंड। बाकी मैं चेक कर रहा हूँ कौन से कैरेक्टर बढ़िया डैमेज दे रहे हैं वर्ल्ड बॉस लेजेंड ब्लैक स्वान में, देखो यहाँ पे थ्रोटी के साथ में हमारा थानोस तगड़ा तबाही मचा रहा था, और हाँ मैं अभी कार्ड चेंज कर लेता हूँ नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, फिर पता चलेगा कि मैं भाई वर्ल्ड बॉस लेजेंड खेल रहा हूँ 2% प्लेयर से, और मैं फिर हायर स्टेज खेलता हूँ, फिर पता चलेगा कि भाई ये तो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप वर्ल्ड बॉस लेजेंड ब्लैक स्वान क्लियर कर लोगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर लाइव स्ट्रीम पे आ जाना, मैं उंगली पकड़ के आपको सिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।